प्रणाम। स्वागत है आपका भगवद गीता के इस एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 श्लोक 7 के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरी आंतरिक प्रकृति दुर्बल सहानुभूति और दया से ढकी होने और मेरा मन कर्तव्य के विषय में भ्रमित होने के कारण मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे परामर्श दें कि मेरे लिए किस मार्ग का अनुसरण करना सर्वोत्तम है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से बोलता है कि हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं अपनी इंद्रियों को नष्ट करूँ या उनको जीऊँ। मैं इस दुविधा में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी मदद कीजिए। इस श्लोक में भी अर्जुन की जो स्थिति है वो अपने आप को जो है इंद्रियों के साथ जो है लिप्त पाता है, उसके साथ जो है बंधा हुआ पाता है। उसको लगता है कि वो उससे मुक्त नहीं हो पाएगा और बहुत बार उसके अंदर जो है विचार आता है कि वो जो है वापस ही चले जाए, जिस तरह का वो जीवन जो है जी रहा था वो उसी तरह के जीवन में वापस लौट जाए। बहुत बार हम इस तरह से सोचते हैं जब हम अपनी अध्यात्म की यात्रा जब शुरू करते हैं। तो अध्यात्म की यात्रा जब शुरुआत में जो हमारा मन होता है हमें सपोर्ट करता है, हम उसके अंदर जो है बड़े आराम से जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है साधक की जो है प्रोग्रेस होना शुरू होती है, वो अपने मार्ग में जो है आगे बढ़ना शुरू होता है, वहाँ पे जो है मन जो है आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देता है। क्योंकि अगर शिष्य जो है इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन जो है मन का जो कंट्रोल है, जो मन का जो नियंत्रण है, वो उसके हाथ में आ जाएगा। अभी मन ने जो है आपको नियंत्रित करा हुआ है, लेकिन अगर आप जो है ध्यान और साधना में जो है अगर आगे बढ़ते रहे तो मन का जो नियंत्रण है ये आपके हाथ में आ जाता है। और यहाँ पे जो है अर्जुन की एक ऐसी स्थिति बनी है कि उसको लगता है, उसको दिखता है कि अब तक जो है उसने जो है अपनी इंद्रियों को जिया, उससे उसको दुख भी मिला, उसको उससे परेशानी भी हुई, लेकिन फिर भी जो है वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा। और ये एक ऐसी दुविधा का समय है जहाँ पे उसको लगता है कि उसको इंद्रियों को नष्ट करना है या उनको जीना है। एक ऐसी जो है अवस्था जो है अर्जुन की है, और इस अवस्था में जो है अर्जुन जो है कृष्ण की मदद मांगते हैं। और ये सिंबॉलिज्म है उस साधक के लिए, जब एक साधक जो है अपने आप को इस स्थिति में पाए कि उसको लगे कि वो अटक गया है, कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यही वो समय है कि जब आप गुरु के साथ जुड़ें, उस व्यक्ति के साथ जुड़ें जो आपसे थोड़ा सा आगे गया हुआ है, उसका सत्संग करें, उसके संपर्क में आएं। क्योंकि अगर आप अकेले चलेंगे तो शायद आप कभी भी ना पहुंच पाएंगे, जब तक कि आपको गुरु का सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक कि गुरु जो है आपका हाथ नहीं पकड़ लेता, तब तक बड़ा मुश्किल है। तब तक कुछ ऐसा है कि ये बूंद जो है रेगिस्तान में कहाँ गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अर्जुन जो है कृष्ण की मदद मांगते हैं, और यही सिंबॉलिज्म जो है आपको बता रहा है कि जब भी आप एक ऐसे क्षण में हो कि आपको लगे कि आप शक्तिहीन हैं, कि आपको लगे कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे, कि आप अपने जो है साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो क्षण कुछ ऐसा है, वो समय कुछ ऐसा है कि जब आप जो है गुरु के साथ संपर्क में आए, कि गुरु के साथ दोबारा से एक टच में आए, और उस क्षण में जो है गुरु आपकी मदद करेंगे, वो अटकाव जो आपकी साधना में है उसको दूर करेंगे। एक चीज़ और जो है वो बात जो है याद रखने की है कि अर्जुन जब ये बात कह पाते हैं कि उनको जो है अपनी इंद्रियों को जीना है या नष्ट करना है, तो ये स्थिति वो है कि जब उनको जो है ध्यान में जो है एक ग्लिम्प्स मिला है, कि ध्यान में एक अनुभव हुआ है उस परम सुख का। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो अनुभव है वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं, वो सिर्फ जो है एक ग्लिम्प्स दे के चला गया अर्जुन को। उसी ग्लिम्प्स के कारण जो है अर्जुन जो है आज ये बात बोल पा रहा है, अर्जुन ये कह पा रहा है कि उसको इंद्रियों को जीना है या नष्ट करना है। क्योंकि इससे पहले जो है नष्ट करने की बात नहीं थी, इससे पहले जो था उसको जीने की ही बात थी। इससे पहले जो था अर्जुन को बस इतना पता था कि इन इंद्रियों को जो है जीना ही जीना है। लेकिन जब भगवान कृष्ण उसके जीवन में आ गए, जब ध्यान उसके जीवन में आ गया, जब भक्ति और जब साधना जब उसके जीवन में आ गई है, तो अर्जुन की जो आँख है वो खुलनी शुरू हो गई है। उसको थोड़ा थोड़ा जो है दिखना शुरू हो गया है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो गया है। तो ध्यान की जो शुरुआत की जो स्टेज होती है उसमें जो हमारी जो इनर वॉइस होती है वो इतनी स्ट्रांगली जो है आप उसको नहीं सुन पाते, उसको इतनी क्लियरली जो है नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन अगर आप जो है गुरु के संपर्क में रहेंगे,
अगर आप उस सोर्स के संपर्क में रहेंगे जहाँ से आपकी जो है ये साधना जो है बढ़ रही है, खिल रही है, तो आपकी साधना में जब भी आप अटकेंगे तो वो सोर्स से जो है आपको मदद आ जाएगी, वो गुरु से जो है आपको मदद आ जाएगी। इसलिए गुरु का होना जो है परम सौभाग्य है। एक बार जो है आपके जीवन में जो है गुरु की घटना घट जाए तो उनके पैरों को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि गुरु वो है जो उस पार चला गया है, और गुरु के हाथ के कारण, गुरु के सहारे के कारण जो है आप भी पार लग पाएंगे। क्योंकि गुरु की गाइडेंस के कारण, गुरु ने जो साधना जो दी है, सिर्फ उसी के कारण जो है जो भक्त है, जो साधक है, वो मुक्त हो पाएगा। अगर साधक जो है वो अपने ईगो के ऊपर यकीन कर ले, वो अपने अहंकार के ऊपर जो है यकीन कर ले कि मैं खुद अकेला पहुंच जाऊंगा, तो उसकी संभावना बहुत कम है। तो गुरु, दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरह से GPS का काम करता है कि वो आपको जो है रास्ता दिखा सकता है, तो उसके बिना जो है पहुंचना ऑलमोस्ट जो है इम्पॉसिबल होगा। तो अच्छा ये हो कि अगर हम जो है उन सोर्सेज के साथ जुड़ सकें जो हमारी मदद कर सकें हमारे को उस पार लेके जाने में, हमारे हमें जो है अपने से मिलवाने में, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। तो गीता का ये श्लोक जो है आपको जो है गुरु की महिमा बताता है, आपको ये बताता है कि गुरु कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक साधक जो है अगर चाहे भटक भी रहा है, अगर वो गुरु के किसी ना किसी तरह से अगर संपर्क में है तो उसको जो है वो मदद आ जाएगी, उसको जो है गुरु जो है संभाल लेंगे, उसको जो है गुरु जो है पार लगा देंगे। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।